वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे पाठको अते प्यारे साथियो, गुरबाणी की जिहड़ी संथ्या है उस दे बारे विच दस्या जा रहा है कि सुखमनी साहिब आपां किस तरह पढ़नी है, हाउ टू रीड सुखमनी साहिब जी। जिहड़ी गुरबाणी सुखमनी साहिब है यह बहुत ही सरल श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने रची है, जिस दे विच पातशाह जी ने खास तौर पर विश्रामा दा अते जिहड़े जिथे भी विश्राम देना है उसनु खास तौर पर महाराज जी ने कहा है। इस तरह आप शुरू करते हैं गुरबाणी, गौड़ी गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। उस तो बाद श्लोक आता है आदि गुरे नम है, इस तो बाद रुकना है, जो आप पढ़ लेना आदि गुरे नम है, इस तो बाद विश्राम देना है। उस तो बाद अगली लाइन है जुगाद गुरे नम है, जेडे दो डंडे होंगे ने विश्राम का निशानी है। जो आप पढ़ते हैं श्लोक आदि गुरे नम है, रुक के इतने सह लेना है, फिर जुगाद गुरे नम है उत्थे फिर सह लेना है। आद गुरे नम है, जुगाद गुरे नम है, सत गुरे नम है, सत गुरे नम है, श्री गुरु देव नम है। इस तरह अगे फिर इस तो बाद श्लोक तो बाद अष्टपदी शुरू हो जाती है। अष्टपदी, अष्टपदी का भाव जिस दे अठ पदे होन, इस दे विच आपां शुरू करांगे। उस तो बाद एक आएगा, अगले पैरे च दो आएगा, इस तरह करके अठ पदे हो जाएंगे। उस तो बाद फिर श्लोक आ जाएगा, श्लोक तो बाद फिर अष्टपदी शुरू हो जाएगी। इस तरह ही इस दियां 24 अष्टपदियां महाराज जी ने उच्चारण करनिया कीतियां हन, जिस दे विच पातशाह जी ने आख्या है कि जेड़ा इस गुरबाणी का पाठ हर रोज़ करेगा उसके 24 घंटे के जेडे स्वास ने जो अंदरों हर रोज़ व्यर्थ जा रहे हैं, वह पातशाह कहते गुरबाणी पढ़न के नाल रीड करन दे नाल वो जो 24,000 स्वास आप 24 घंटे के लेंदे हाँ वह सफले हो जाते हैं। पातशाह जी कहते हैं कि गुरबाणी पढ़न के नाल की हुंदा है, जो आप एक चीज़ को पढ़ते हाँ जिहड़ा उसका विचला संदेश है वह अपने अंदर बस जाता है। गुरबाणी एक उपरों पढ़ी जाती है, एक अंदरों पढ़ी जाती है। गुरबाणी का असर उन्हां लोकां ते हुंदा है जिहड़े अंदरों जुड़ के परमेश्वर के नाल एकमिक होकर पढ़ते हैं। सो जिहड़ा यह बहुत डीप है हाउ टू रीड सुखमनी साहिब, यह शुरुआत है, इस तों अगे आपां चलांगे। तो पहला शुरुआत दे विच जिस तरह भी गुरबाणी का जो विश्राम है कितने कितने लाना है। एक सरदार जी ये दसो जी कि सत गुरे ए सियादी बोली है कि नहीं बोली, अपना सते सत सत बोलते हैं जदों दो अक्षरां दे विच लगेगी ना। अच्छा, उदों ए साइलेंट हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये ऐसे जो इंग्लिश जो अपना नाइफ बोलते हैं के नहीं बोलते, ऐवे साइलेंट हो वर्ड्स होंगे हैं, कुछ हो दसोगे साइलेंट वर्ड्स। साइलेंट वर्ड इस तरह है आर को आपा पढ़या है आर लिखे, हां इथे सियादी नहीं बोली अपना, इथे भी विश्राम साइलेंट हो जाएगी। अच्छा, ये साइलेंट हो गई है, इथे भी नम है दे नाल लगेगी। अच्छा, नम है इथे दा बोले अपन नम है, हाहे दे नाल हर एक मात्रा जेडी हाहे। अच्छा, दे नाल ओ हर एक मात्रा हाहे दे नाल बोलेगी। अच्छा, वो बोलेगी हां, बाकी अक्षरां दे नाल साइलेंट हो जांदी है किते किते। ठीक ठीक है, जिस तरह भी उस दा कोई होर कोई निशान जरा नहीं बोलिया जाता।